के प्रथमान योग में क्या है कि बहुत राग की कथाएं चलती हैं, बहुत संग्राम के, श्रृंगार के, महलों के, परिग्रह बहुत वर्णन होता है। तो जीवों को क्या होता है, उनके तो राग बढ़ जाते हैं ऐसी बातें सुनकर, समझ में आए कि नहीं आए। इसलिए हमेशा भी ग्रंथ पढ़ने ही नहीं चाहिए, ऐसे कथन सुनने ही नहीं चाहिए, ऐसा अभी समझ लो प्रश्न खड़ा किया है, समझ में आया। उनसे कहते हैं, अब जवाब देते हैं, उनसे कहते हैं कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ा चढ़ा कर कथन करते हैं सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं, पहला जवाब सुनो, पहला जवाब ये देते हैं टूटामल जी कि भाई अगर कथा सुनाओगे, चाहे आदिनाथ की सुनाओगे, चाहे महावीर की सुनाओगे, चाहे रामचंद्र की सुनाओगे, अगर कथा सुनाओगे तो कथा तो आद्योपांत पूरी सुनानी पड़ेगी कि भाई कैसा महल था, कहाँ जन्म हुए थे, कौन पिता थे, कौन माँ थी, कितने भाई थे, उनने कैसे दीक्षा ली, कैसे घर गृहस्थी चलाई, क्या लड़ाई झगड़े हुए। मैंने कथा का तो मतलब यही होता है ना कि भाई शुरुआत से लेके अंत तक, तब तो वो कथा कहलाएगी। तो इसलिए पहले तो अगर कथा कही है तो वो सर्व अवस्थाओं में कहना ही पड़ता है, ये स्वरूप है। और फिर कोई कहे कि साहब ठीक है बड़ा चढ़ा कर क्यों कही, तो बड़ा चढ़ाकर इसलिए कही कि अगर उस कथा को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताएंगे तो तुम्हारा सुनने में मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो इंटरेस्ट डालने के लिए अलंकार, अच्छी अच्छी युक्तियों का उपयोग, कैसी थी सीता, ओ चंद्रमा के समान, जिसका अब वो चंद्रमा के समान कहाँ से आ गया, तो भाई उपमा है, अलंकार है, थोड़ा बात को इस तरीके से कहते हैं कि लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, ये कथा कहने का तरीका है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं, माने पंडित जी कोई बात कहेंगे तो थोड़ा उसको कहने का जो ढंग होगा वो सामान्य से अलग होगा, तभी तो पंडित जी हैं। अगर मैं आपके जैसा बोलूं तो मेरे मुराद में क्या अंतर रहेगा, मेरा कहने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा बात को, तभी तो आप कहते हो कि पंडित जी आप सुना। तो वो कह रहे हैं टोडामल जी कि भाई कोई लेखक होगा, राइटर होगा, पंडित जी होंगे जो भी ये लिखेंगे, तो वो थोड़ा ऐसा तो लिखेंगे एकदम साहित्य की दृष्टि से कि वो लगे कि साहित्य है। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बड़ा चढ़ाकर कथन किस लिए किया, उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता, तथा पहले तो भोग संग्राम आदि इस प्रकार दिए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए, इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बड़ा चढ़ाकर कथन किया जाए, ठीक है कि नहीं। इसके लिए वही प्रसिद्ध उदाहरण है कि भाई अगर नाम की महिमा करनी है तो उसके पहले रावण की महिमा करना बहुत जरूरी है, राम की महिमा तभी हो सकती है जब रावण की महिमा हो। साहब क्यों राम की अकेली करो, तो भैया राम की अकेली महिमा करोगे कैसे कि राम ने रावण को मारा, इसमें क्या बात हुई, तो पहले बताओ कि वो रावण कैसा था, कितना शक्तिशाली था, कैसी उसकी लंका थी, कैसा उसका सब हिसाब किताब था। माने 50 पेज तो इसी बात में ही भरे जाएंगे। और फिर ऐसे रावण को राम ने मारा तो फिर वो समझ में आया, हाँ लक्ष्मण ने मारा, समझ में आया, अपने यहाँ तो राम ने नहीं मारा, लक्ष्मण ने मारा, क्योंकि नारायण प्रति नारायण वाला था, समझ में आया कि नहीं आया। तो नारायण प्रति नारायण को मारता है, रामचंद्र तो बलभद्र थे, तो लक्ष्मण ने रावण को मारा तो ऐसा बताया, तो रावण का वर्णन करा, तो कोई कह रावण का क्यों करा, तो वो स्वरूप है, वो बताना पड़ेगा। तो संग्राम आदि का, भोगों का भी बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर देते हैं, ऐसे भोग, ऐसे भोग, तो ये क्यों किया कि भाई भोगों को, इतने भोगों की महिमा करी, इतने बड़ा चढ़ाकर बताए कि ऐसे भोगों को भी उनने छोड़ दिया और वे मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, इनमें कोई सुख नहीं है विषय भोगों में। अब कोई विषय भोगों की चर्चा नहीं करे और सीधा कह दे कि वो तो दीक्षा लेके चले गए,
तो लोगों को लगता है अरे कुछ होगा नहीं, ऐसे ही चले होंगे, अपने पास तो बहुत माल है। तो ये नहीं, उनने कहा कि वे भी बहुत बड़े राजा थे, उनके पास भी बहुत भोग सामग्री थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनने वीतराग धर्म अंगीकार किया, मुनि धर्म अंगीकार किया, है ना, ये सब ताकि तुम्हें वीतराग धर्म की महिमा आवे, है ना। वो कहते ना चक्रवर्ती सी संपदा इंद्र सरी के भोग काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि। क्यों कहा कि भैया बहुत संपदा होती है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। तथा तुम कहते हो कि निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं। अभी उस शिष्य ने प्रश्न किया था ना कि भाई ये जो आप कथा कहते हो तो हमें राग बढ़ जाता है, तो देखो क्या कहते हैं, उसके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं, सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए उसका प्रयोजन तो वहाँ धर्म कार्य कराने का है, ठीक है, और कोई पापी वहाँ पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनवाने वाले का तो दोष नहीं है। इसी प्रकार श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंगार आदि का वर्णन किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादिक कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। परंतु कोई पापी धर्म ना करे और रागादिक ही बड़ा है तो श्री गुरु का क्या दोष, ख्याल में आया। उदाहरण ये दिया कि भाई हमने भीम गली का मंदिर बनवाया, हमने तो ये पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय के लिए बनवाया, अब कोई इसमें बारात ठहराने लगे, कोई इसमें जो है शादी के कार्यक्रम करने लगे, हैं तो भैया हम क्या करें, कोई नेतागिरी के काम करने करे, यहाँ आम पब्लिक की सभा बुलाने लगे कि भाई चुनावी रैली यहाँ होगी, तो भैया इसमें बनवाने वाले का दोष तो है नहीं, उसने तो एक वीतरागता के प्रयोजन से वीतरागी सर्वज्ञ देव की भक्ति पूजन के लिए बनवाया था, अब तुम उससे अपने राग की पूर्ति करो तो वो तुम जानो। तो ऐसे ही टोडामल जी साहब कहते हैं कि श्री गुरुओं ने आचार्य भगवंतों ने तो जो पुराण आदि की रचना करी, जो भरतेश वैभव लिखा, भरत का वर्णन किया, सो वो कोई तुम्हारे राग बढ़ाने के लिए नहीं कहा था कि तुम पैसा कमाओ या तुम राजा बन जाओ या तुम वैसी खीर खाओ, अरे वो तो इसलिए बताया था कि देखो इतना कुछ था भरत जी के पास, छह खंड के राजा थे, फिर भी उन्होंने वीतराग के मार्ग को ही चुना, उनने आत्मा के अनुभव में ही लगे और अपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो हे मनुष्य तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है उनके सामने जो तू मरा जा रहा है। असली प्रथमान योग की शैली यही है, उसका स्टाइल ये है कि तुम 10-20-50 लाख रुपए के लिए पागल भय जा रहे हो, 10-20 करोड़ रुपए हो गए तो तुम रोड पे सीधे नहीं चल पा रहे हो, वहां देखो कितना वैभव था भरत जी के पास, आदिनाथ कितने बड़े तीर्थंकर थे, फिर भी उन लोगों ने वैराग्य का मार्ग वीतराग का मार्ग चुना, संसार में कहीं सुख नहीं है निर्णय किया था और मुनिराज बने थे, तो तुम क्या कर रहे हो, ये संबोधन है वास्तव में। तो वहां पर मूल प्रयोजन तो वीतरागता ही है, लेकिन अब तेरी खोटी बुद्धि हो और तू उसका गलत अर्थ ले ले तो भैया इसमें कथा बताने वाले की तो कोई गलती है नहीं। यदि तू कहेगी रागादिक का निमित्त हो ऐसा कथन ही नहीं करना था, समझ में आया कि भाई रागादि बने भरत जी की खीर का वर्णन नहीं करना था, क्या जरूरी थी खीर बताने की, क्या जरूरत थी छह खंड का वर्णन करने की, क्या जरूरत थी 96,000 रानियों की बात करने की है। उसका उत्तर यह है सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता, इसलिए जिस प्रकार बालक को बतासे के आश्रय से औषधि देते हैं उसी प्रकार सरागी को भोगादिक के कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। अब देखो अगर वो कहानी को कहानी की तरह नहीं कहेंगे तो पहले नंबर पर मन ही नहीं लगेगा, और अगर हमें वीतरागतई का कथन करना है तो फिर हम प्रथमान योग पढ़ाएंगे ही क्यों, हम सीधा द्रव्यान योग पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है ना, क्योंकि प्रथमान योग तो लिखा ही उन लोगों के लिए गया है जिनकी अभी बहुत रुचि धर्म में नहीं है। और अपन जैसे अपने बच्चे को होता है कहानी सुनने में इंटरेस्ट आता है उसे, ठीक है कि नहीं,
अब मैं कहता हूँ अपन अपने बच्चों को कहानी सुनाए कि सुनाओ पापा कहानी कि भरत चक्रवर्ती थे, बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने दीक्षा ली और मुनि बन गए, मोक्ष चले गए। अभी कोई वो सुनेगा तुम्हारी ये बात, वो कहेगा क्या है। अब लेकिन उसका तरीके से वर्णन करो, इंटरेस्ट लाओ, तो फिर सुनेगा। तो वास्तव में कहानी तो यही है जो दो लाइन में कह दी अपन ने, लेकिन वो नहीं सुनेगा। तो ये टोडामल जी कहते हैं कि जैसे एक बच्चे को बतासे में दवाई रखो तो दवाई भी चली जाएगी, ऐसे ही जो अज्ञानी जीव हैं ये बिल्कुल अभी कुछ तत्व नहीं समझते, और ये कहानी किससे सुनाओ तो इनको मजा आता है। इसलिए ये जो कथाएं चलती है इनमें लाखों की भीड़ जाती है, है? हम कथा सुनाते श्री राम की, आओ है मजा आता है लोग। और फिर वो क्या है कि पूरी व्यवस्था रखते हैं, है ना, गाना बजाना नाचना कूदना रखते हैं, नाचना कूदना करते हैं, और फिर वो उनको मजा आता है। सो वहां तो गिरी तई मित्यात्म है, उनकी तो मन बात ही नहीं करते, लेकिन इससे इतना तो सिद्ध होता है कि कहानियां सुनने में, कथाएं सुनने में लोगों का मन लगता है। तो अब अपने जैन कुल में भी ऐसे जीव होते हैं, होते ही है सब जगह, कि भैया उनका नहीं लगता मन, नहीं आती समझ, तो उनको फिर ये कहानी वगैरह सुनाते हैं।